हे एवरीवन, वेलकम बैक टू 3D होम्स। मैं सलीम चौधरी एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसका एलिवेशन एंड इंटीरियर व्यू आप देख रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 25 फीट बाय 65 फीट के इस प्लॉट को, जिसपे हमने एक मॉडर्न डुप्लेक्स होम डिजाइन किया हुआ है। ईस्ट फेसिंग 1625 स्क्वायर फीट यानी 180 गज के इस प्लॉट को हमने 4BHK डिजाइन किया हुआ है। इस प्लॉट में हमने सारे लग्जरी फीचर्स दिए हुए। ग्राउंड फ्लोर में आपको पार्किंग का स्पेस देखने को मिल जाता है, आपको स्विमिंग पूल मिल जाता है, छोटा सा प्लांटिंग एरिया देखने को मिल जाता है, वहीं टेरेस पे आपको टेरेस गार्डन मिल जाता है, सिटिंग एरिया देखने को मिल जाता है और वहाँ पे बुद्धा स्टेचू और थोड़ा सा वाटरफॉल सेक्शन भी देखने को मिल जाता है। और टेरेस को हमने इस पर्पस से डिजाइन किया कि अगर आप छोटे मोटे यहाँ पे पार्टीज करना चाहे तो भी कर सकें। उसी के अकॉर्डिंग से हमने वहाँ पे किचन भी डिजाइन किया हुआ है। तो आज इस वीडियो में इस प्लॉट के सारे डिटेल्स को जानेंगे, वॉक थ्रू के जरिए इसके इंटीरियर को देखेंगे और इसके 2D लेआउट को भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही इसके इंटीरियर के कॉस्ट की बात करेंगे कि अगर आप इस तरह से अपने घर के इंटीरियर को डिजाइन कराना चाहते हैं तो आपको कितने अमाउंट स्पेंड करने पड़ेंगे। ये सारे डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप इस प्लॉट के कंस्ट्रक्शन डिटेल्स को जानना चाहते हैं, कितने अमाउंट्स इसमें लगे हैं, कौन से मेथड में बना हुआ है, कहाँ पे कितने बीम्स और पिलर्स हैं, तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और उसके कंस्ट्रक्शन अमाउंट और उसके मेथड के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए, ये इसका रहा मेन गेट, इससे एंटर होते हैं, आ जाते हैं इस प्लॉट में। ये पार्किंग एरिया देखने को मिल जाएगा, इससे राइट टर्न होंगे तो ये मिल जाता है आपको स्विमिंग पूल सेक्शन। यहाँ पे कई सारे प्लांट्स और कई सारे फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। छोटा सा यहाँ पे हमने सीटिंग एरिया भी डिजाइन किया हुआ है और इसको काफ़ी लग्जेरियस लुक देने के लिए हमने यहाँ पे स्विमिंग पूल और ऊपर टेरेस गार्डन दिया हुआ है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका मेन डोर, इससे एंटर होंगे और आ जाएंगे इस प्लॉट के हॉल में। इसको हमने काफ़ी स्पेसियस डिजाइन किया है, क्योंकि हॉल बड़ा रहेगा तभी घर काफ़ी बड़ा लगेगा। तो यहाँ पे आएंगे तो काफ़ी सिंपल सा इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। पीछे आपको स्टेप्स की डिजाइन मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको प्रोफाइल लाइट मिल जाएगा, बीच में आपको छोटा सा पार्टीशन, उसके बाद आपको टेम्पल का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सिंपल सा ही हमने टेम्पल डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि सभी घर में टेम्पल्स की नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग से हमने टेम्पल डिजाइन किया। सामने कुछ इस तरह से मेन डोर के बाजू में आपको टीवी यूनिट प्लाईवुड एंड कोरियन में बना हुआ है और प्रोफाइल लाइट इसके लुक को और भी एनहेंस कर रहा है। यहाँ पे कुछ फोटोज मिल जाएंगे और वॉल पे आपको कुछ लाइट्स देखने को मिल जाएगी और वहाँ पे एक सीटिंग एरिया देखने को मिल जाएगा जिसपे आप बैठेंगे तो काफी अच्छा फील होगा। और आप इसके इंटीरियर को देख सकते हैं, काफी सिंपल हमने डिजाइन किया हुआ, काफी कम लाइटिंग्स हैं और काफी कम कलर्स हैं। हमने काफी व्हाइट एंड यूनिक इसको डिजाइन किया हुआ, जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। टीवी यूनिट के पीछे यहाँ पे कुछ स्टेप्स डिजाइन मिल जाएंगे, उसके पीछे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा स्टेयर, जिससे आप फर्स्ट फ्लोर और टेरेस पे जा सकते हैं। यहाँ पे ये जो एरिया आपको दिख रहा है सामने, ये हमने डाइनिंग सेक्शन डिजाइन किया हुआ। यहाँ पे बैठेंगे तो आपको काफी अच्छा फील होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये ऊपर तक ओपन है, कुछ इस तरह से ऊपर आपको नजर आएगा। ये पार्ट ऊपर टेरेस तक ओपन है, टेरेस पे हमने कुछ यहाँ पे कवरिंग कर दिया है, जो कि यहाँ पे हमने ग्लास यूज किया हो उसको हमने कवर कर दिया है। उसको आप ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपको ऊपर स्काई भी फील होगा। यहाँ पर भी आपको कई सारे प्लांट्स और फ्लावर्स देखने को मिल जाएगा। सामने आपको किचन मिल जाता है, आपको किचन की एक्सेसरीज स्टोर करने की यहाँ पे कैपेसिटी मिल जाती है। सामने यहाँ पे आपको विंडो मिल जाता है, जिससे आप ओपन करेंगे तो अच्छा खासा वेंटिलेशन मिलेगा और यहाँ पे सर्विस प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको हॉल यूज के लिए डेडिकेटेड बाथरूम मिल जाएगा। इसमें एंटर होंगे तो सामने आपको शावर का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। टाइल्स देख सकते हैं, हमने काफी सिंपली डिजाइन किया हुआ है। और यहाँ पे आपको जो वैनिटी का स्पेस मिल रहा है वो भी काफी सिंपल सा ही डिजाइन किया और उसमें हमने प्रोफाइल लाइट यूज किया हुआ है। उसके बाजू में ये कमोड का सेक्शन मिल जाता है। इससे बाहर आएंगे, वापस आ जाएंगे हाल में और सामने ये जो डोर नजर आए इसमें एंटर होंगे और आ जाएंगे इस प्लॉट के फर्स्ट बेडरूम में। इसमें आएंगे तो कुछ इस तरह से आपको 6x6.5 का बेड मिल जाएगा। पीछे स्ट्रिप डिजाइन और राइट साइड में यहाँ पे आपको ड्रेसिंग मिरर देखने को मिल जाएगा। ये सामने कुछ इस तरह से सिंपल सा टीवी यूनिट मिल जाएगा। हमने यहाँ पे पीछे पैनलिंग नहीं किया और सिर्फ स्ट्रिप डिजाइन दिए हुए हैं प्लाईवुड के जो राइट साइड में है। सामने कुछ इस तरह से आपको स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा, जिससे बाहर आएंगे तो रियर यार्ड में कुछ इस तरह से ये सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बाहर खड़े होंगे तो कुछ इस तरह से आपको किचन का और बेडरूम का रियर यार्ड नजर आएगा। स्टेयर लेंगे और अभी बढ़ेंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ और देखेंगे फर्स्ट फ्लोर को हमने किस तरह से डिजाइन किया हुआ है और कहाँ पे कौन सी चीजें दी हुई हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो यहाँ राइट साइड में आपको एक स्लाइडिंग विंडो मिलेगी, जिससे आप जाएंगे तो आ जाएंगे इसके बालकनी में। लेकिन सामने जो डोर नजर आ रहा है इसमें एंटर होंगे तो आ जाएंगे इस प्लॉट के सेकंड बेडरूम में। यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरह से 6x6.5 फीट का बेड मिल जाएगा। राइट साइड में आपको ड्रेसिंग मिरर देखने को मिल जाएगा। बेड के सामने कुछ इस तरह से सिंपल सा ही टीवी यूनिट मिल जाएगा, जिसमें हमने पैनलिंग यूज नहीं किया हुआ है। सामने कुछ इस तरह से आपको वार्डरोब मिल जाएगा। उसके बाजू में देखेंगे तो आपको एक डोर नजर आएगा, जिसमें इंटर होंगे तो आ जाएंगे इस बेडरूम के डेडिकेटेड बाथरूम में। यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरह से मॉड्यूलर आपको वैनिटी देखने को मिल जाएगा, जिसमें प्रोफाइल लाइट और कुछ और लाइट्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मिरर भी मिल जाएगा, यहाँ पे ग्रूविंग वाला टाइल्स भी आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे शावर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ कमोड का सेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टीवी यूनिट से अटैच हमने कुछ इस तरह से स्टडी एरिया डिजाइन किया हो, जो दिखने में काफी यूनिक लग रहा है। उसके बाजू में आपको स्लाइडिंग विंडो मिल जाता है, जिसके बाहर जाएंगे तो आ जाएंगे इस प्लॉट के सबसे बड़े बालकनी में। यहाँ पे खड़े होंगे तो आपको काफी अच्छा फील होगा, क्योंकि ये ओपन बालकनी है।
उसके बाजू की ये जो बालकनी है, जो स्टेयर्स है, आप स्लाइडिंग विंडो एक्सेस करके यहाँ पे आ सकते हैं। ये भी काफी बड़ी बालकनी, यहाँ पर भी बैठेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। वापस आ जाएंगे स्टेयर सेक्शन के पास और आगे बढ़ेंगे। यहाँ राइट साइड में हमने कुछ इस तरह से एक छोटा सा सीटिंग एरिया डिजाइन किया हुआ, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सामने आपको यहाँ पे देखेंगे तो दोनों रूम्स नजर आएंगे। इसमें आएंगे, ये इस प्लॉट का थर्ड बेडरूम है, इसमें एंटर होंगे तो सामने कुछ इस तरह से आपको स्लाइडिंग विंडो देखने को मिल जाएगा। स्लाइडिंग विंडो ओपन करेंगे तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा, ऊपर सीलिंग में कुछ इस तरह से लाइटिंग्स मिल जाएंगी, बेड के पीछे कुछ इस तरह से आपको स्टडी एरिया एंड कुछ फोटोज मिल जाएंगे। यहाँ पर भी हमने पैनलिंग यूज नहीं किया और लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाएगा। बेड के सामने कुछ इस तरह से टीवी यूनिट मिल जाएगा जो काफी सिंपल है, जिसमें हमने कोरियन एंड प्लाईवुड यूज किया हुआ है। चलिए इस बेडरूम से बाहर निकलते हैं और वापस आ जाते हैं पैसेज में, अभी इंटर होते हैं इस प्लॉट के फोर्थ बेडरूम में। तो आगे हम इस प्लॉट के फोर्थ बेडरूम में सामने कुछ इस तरह से बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगा, जिससे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता रहेगा। बेड की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको 6 फीट बाय 6.5 फीट का बेड मिल जाएगा। पीछे पैनलिंग नहीं मिल रही है, यहाँ पर भी वॉलपेपर यूज किया हुआ है और राइट साइड में आपको ड्रेसिंग मिरर एंड वार्डरोब देखने को मिल जाएगा। सामने टीवी यूनिट की बात करें तो इसमें हमने सिर्फ स्टेप यानी जो ये वुड नजर आ रहा है उसको हमने पॉलिश करके डिजाइन किया हुआ है, बाकी सिंपल सा ही टीवी यूनिट है और हमने इसमें प्रोफाइल लाइट यूज किया हुआ है। वार्डरोब के बाजू में यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको एक डोर नजर आएगा, जिसमें इंटर होंगे तो आ जाएंगे इस बेडरूम के डेडिकेटेड बाथरूम में। यहाँ पे आएंगे तो सिंपल सा ही यहाँ पे आपको वेनिटी का स्पेस देखने को मिल जाएगा, नीचे से प्रोफाइल मिल जाएगा, ऊपर छोटा सा सेक्शन मिल जाएगा जिसमें आप चाहें तो बाथरूम के एक्सेसरीज को स्टोर कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग से डिजाइन किया हुआ कुछ इस तरह से आपको बाथरूम मिल जाएगा। चलिए बाथरूम से बाहर निकलते हैं, वापस आ गए उसी बेडरूम में। कुछ इस तरह से सामने आपको बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो मिलेगा, जिसके बाहर जाएंगे तो आ जाएंगे बालकनी में और अभी दोनों की बालकनीज को देखेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से आएंगे तो बाहर से कुछ इस तरह से ये वाली बालकनी नजर आएगी और दूसरी बालकनी जिसमें हम नहीं गए थे वो ओपन बालकनी जिसे आप देख सकते हैं बाहर है, तो ये बालकनी कुछ इस तरह से नजर आएगी। चलिए लेते हैं स्टेयर और बढ़ते हैं टेरेस की तरफ। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरह से अपने घर के इंटीरियर को डिजाइन कराना चाहते हैं तो कम से कम आपको 12 से लेकर 15 लाख स्पेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने इसको काफी लो कॉस्ट में डिजाइन किया हुआ, सभी चीजें हमने पैनलिंग वगैरह इसमें काफी कम किया हुआ, वाल पेपर यूज किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं टेरेस पे और अभी देखते हैं उसके सारी चीजों को कवर करते हैं। यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरह से राइट साइड में किचन मिलेगा, सामने कुछ प्लांट्स और फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे और ये आपका मिल जाता है मेन सिटिंग एरिया, जिसमें आप चाहे तो पार्टी कर सकते हैं, चाहे तो फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। ये आपको मिल जाता है बुद्धा स्टेचू और छोटा सा वाटरफॉल सेक्शन, यहाँ पे आप बैठेंगे तो काफी अच्छा लगेगा, आपको यूनिक सा लगेगा दिखने में। और यहाँ पे बुद्धा स्टेचू है तो आपको काफी पीस फील भी होने वाला है, ऊपर आपका टेरेस है, ऊपर आपका काफी ओपन रहेगा तो उससे भी आपको काफी अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे डाइनिंग के सामने ही कुछ इस तरह से आपको किचन मिल जाएगा, फ्रिज का स्पेस देखने को मिल जाएगा, जिससे आप छोटी मोटी पार्टी या गेट टुगेदर यहाँ पे आप कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग से हमने डिजाइन किया हुआ है। ये आपको मिल जाता है मेन गार्डन, ये बीच में आपको सिटिंग एरिया देखने को मिल जाता है, ये मेन गार्डन। और ये जो आपको यहाँ पे ग्लासेस नजर आ रहे हैं, ये कवर्ड है उस पार्ट को जो नीचे डाइनिंग का ओपन पार्ट है उसको हमने यहाँ से कवर्ड किया हुआ है। ओवरऑल कुछ इस तरह से आपका ये टेरेस गार्डन नजर आएगा, जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगर आपको प्लान बनवाना है तो इंस्टा पे DM जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।